दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर टेक्निकल वीडियोस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो सी प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी खास वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा डाटा टाइप्स के बारे में कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं सी में। और दोस्तों, एक बात और, डाटा टाइप को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। दोस्तों, आज मैं वेरिएबल को थोड़ा डेप्थ नहीं लेके चलूँगा, मैं बस उसके बेसिक बताऊंगा कि वेरिएबल्स होता क्या है, उसके बाद मैं आपको डाटा टाइप बताऊंगा। क्योंकि डाटा टाइप को बताते समय हो सकता है कि मुझे आपको वेरिएबल के बारे में समझाना पड़े, तो इसलिए मैं इसे पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। पर परेशानी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं डाटा टाइप्स के बाद वेरिएबल्स के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि दो वीडियो भी वेरिएबल्स के लिए बन जाएँ। तो दोस्तों, आज का ये पहला पार्ट है डाटा टाइप्स के लिए। तो डाटा टाइप्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में। तो दोस्तों, वेरिएबल क्या होता है? तो दोस्तों, वेरिएबल इज़ अ नेम दैट कैन बी यूज टू स्टोर अ वैल्यू। मतलब वेरिएबल हमारा एक नेम है जो स्टोर करता है किसी प्रकार की वैल्यू को अपने अंदर। मतलब वेरिएबल नेम को यूज़र डिफाइन करता है कंप्यूटर में, जो यूज़ होता है अपनी किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। मतलब कोई भी वैल्यू को आपका वेरिएबल होल्ड करता है एक स्पेसिफिक टाइम तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वेरिएबल के बारे में मुझे बस आपको यही बताना था कि वेरिएबल एक नाम होता है जो स्टोर करता है एक वैल्यू को। तो दोस्तों, आते हैं अब अपने मेन पॉइंट पर, जो है हमारा डाटा टाइप्स। दोस्तों, डाटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। डाटा टाइप्स यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दोस्तों, डाटा टाइप्स हमारे सी में वेरिएबल को डिक्लेयर और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, पर आपने ये नहीं बताया डाटा टाइप होता क्या है। दोस्तों, सपोज़ किसी आपके पास एक डाटा अवेलेबल है और उसमें आपको एक डाटा दिख रहा है रोल नंबर का। तो दोस्तों, आपको रोल नंबर देखते ही क्या दिमाग में आएगा? दोस्तों, आपके दिमाग में आएगा स्टूडेंट। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये एक कॉलेज टाइप या एक स्कूल टाइप का डाटा है। दोस्तों, आप एक और एग्जाम्पल लीजिए और इस एग्जाम्पल में आप सोचिए 2018, तो आपके दिमाग में क्या आता है? दोस्तों, आपके दिमाग में आता है ईयर। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये हमारा 2018 एक ईयर टाइप का डाटा है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सी में किसी भी वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि ये फंक्शन या फिर ये वेरिएबल, फिलहाल दोस्तों मैं सिर्फ वेरिएबल की बात करता हूँ, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये वेरिएबल किस तरह का डाटा होल्ड करेगा। दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि डाटा टाइप वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, जैसे ही हम कोई भी डाटा टाइप से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उसे बनाते ही हमारी मेमोरी में एक स्पेस बन जाता है जो हमारा वेरिएबल का स्पेस होता है, और वह उसी तरह के डाटा को होल्ड करेगा जिस तरह का डाटा टाइप आपने यूज़ करा है उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ऑल सी कंपाइलर्स सपोर्ट फाइव फंडामेंटल डाटा टाइप्स, नेमली इंटीजर यानी कि इंट, कैरेक्टर, कैर, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट और डबल एंड वॉइड। तो दोस्तों, ज़्यादातर सी कंपाइलर्स सपोर्ट करते हैं पाँच तरह के डाटा टाइप्स को। दोस्तों, ये डाटा टाइप अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कीबर्ड्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था 32 कीबर्ड होते हैं और सारे के सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं, तो दोस्तों आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि उसमें कुछ कैरेक्टर थे, कुछ कीबर्ड्स थे जो थे आपके इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। तो दोस्तों, ये एक कीबर्ड्स भी हैं जिन्हें हम डाटा टाइप्स बोलते हैं अपनी सी में। तो दोस्तों, अभी तक तो था ये डाटा टाइप्स का थोड़ा ओवरव्यू, मैं अभी इसे डिटेल में समझाता हूँ आपको। तो दोस्तों, डाटा टाइप हमारे मेनली दो तरह के होते हैं। दोस्तों, पहला होता है हमारा प्राइमरी डाटा टाइप और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा टाइप। दोस्तों, प्राइमरी डाटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी बोल देते हैं, या फिर हम इन्हें बिल्ट इन डाटा टाइप भी बोल देते हैं। दोस्तों, सेकेंडरी डाटा टाइप्स को हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप के डाटा टाइप्स भी बोल देते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे वह होंगे हमारे प्राइमरी टाइप के डाटा टाइप्स। दोस्तों, सेकेंडरी टाइप के डाटा टाइप्स के लिए अलग से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हम आने वाले टाइम पर पढ़ेंगे, तो अभी हम पढ़ेंगे बेसिक प्राइमरी डाटा टाइप्स के बारे में। और दोस्तों, इन्हें भी हमने तीन तरह के टाइप में बांटा हुआ है। तो दोस्तों, प्राइमरी डाटा टाइप्स के भी टाइप हैं, जिसमें पहला टाइप है आपका इंटीजर टाइप, दूसरा टाइप है आपका कैरेक्टर टाइप और तीसरा टाइप है आपका फ्लोट टाइप। तो दोस्तों, फ्लोट टाइप में आते हैं आपके दो तरह के डाटा टाइप्स, पहला होता है आपका फ्लोट और दूसरा है आपका डबल। दोस्तों, डबल और फ्लोट डाटा टाइप्स कुछ एक जैसे ही होते हैं, मतलब दोनों में फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ होता है, मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है। दोस्तों, वो नंबर जिसमें पॉइंट यूज़ होता है वह हमारे फ्लोट टाइप के डाटा टाइप्स कहलाते हैं, जो होते हैं हमारे दो तरह के, एक फ्लोट और एक डबल। दोस्तों, फ्लोट की रेंज मतलब फ्लोट टाइप के डाटा को होल्ड करने के लिए अगर हम फ्लोट डाटा टाइप्स का यूज़ करेंगे तो उसकी रेंज कुछ सीमित होगी, और वहीं डबल डाटा टाइप की रेंज थोड़ी फ्लोट से ज़्यादा होगी, या आप कह सकते हैं कि फ्लोट से डबल होगी।
तो दोस्तों कैरेक्टर टाइप में आता है आपका एक तरह का डाटा टाइप जिसे कहते हैं आप कैर। दोस्तों कैर एक कीवर्ड है और अभी फिलहाल हम इसे डाटा टाइप्स के रूप में जानेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बताया था कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट आपका एक सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है और वह आपके एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी है कि आप अगर सिंगल कोट्स में एक कोई कैरेक्टर लिखते हैं, कोई सिंबल लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, तो वह आपका कॉन्स्टेंट हुआ कैरेक्टर टाइप पर। तो दोस्तों उस टाइप के डाटा को होल्ड करने के लिए जो आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे वह वेरिएबल आपका कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप से मिलकर बना होगा, उसे आप बोलेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप। तो दोस्तों कैरेक्टर टाइप में होता है आपका एक डाटा टाइप जिसे बोलते हैं हम कैर। तो दोस्तों कैरेक्टर एक आपका डाटा टाइप है जो क्रिएट करता है एक वेरिएबल को जो होल्ड करता है कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को। तो दोस्तों अब है हमारा इंटीजर टाइप। तो दोस्तों इंटीजर टाइप में भी हमारा एक ही तरह का डाटा टाइप है जिसे आप इंट बोलते हैं। दोस्तों इंट आपका ऐसा वेरिएबल क्रिएट करता है जो आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू को मतलब होल नंबर को होल्ड कर सके अपने अंदर। तो दोस्तों वह हमारा इंटीजर टाइप का डाटा टाइप कहलाएगा। और दोस्तों जो लास्ट है आपका वह है आपका बॉइड। दोस्तों बॉइड अपने आप में एक टाइप है। दोस्तों बॉइड का मतलब यहाँ पर नल से होता है यानी कि जीरो से होता है। दोस्तों एक बात और आपको हमेशा याद रखनी है कि बॉइड से आपका कोई भी किसी भी तरह का वेरिएबल क्रिएट कभी नहीं होगा, आपका सिर्फ बॉइड से एक फंक्शन क्रिएट होगा। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि फंक्शन को यूज़ करने के लिए या फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आप बॉइड यूज़ करेंगे, ना कि किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों बॉइड का मतलब यहाँ पर जीरो से होता है। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि हमारे सी में जो ज़्यादातर कंपाइलर सपोर्ट करते हैं हमारे पांच तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा इंट, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा हमारा फ्लोट, चौथा हमारा डबल और सबसे लास्ट में जो आता है हमारा वह होता है बॉइड डाटा टाइप्स। दोस्तों इंट डाटा टाइप आपका इस तरीके से एक वेरिएबल क्रिएट करता है जो आपके होल्ड करता है वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरह की, यानी कि किसी भी होल नंबर को यूज़ कर सकता है। आप चाहें तो उसकी अगर 12 लिख सकते हैं उस वेरिएबल के अंदर, आप चाहें तो 34 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 567 लिख सकते हैं, आप चाहें तो कोई सिंगल भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो जीरो लिख सकते हैं, आप चाहें तो वन लिख सकते हैं। वह आपका इंटीजर टाइप का डाटा होगा जो आपका वेरिएबल द्वारा होल्ड किया जाएगा और जिसे रिप्रेजेंट करेगा आपका इंट, मतलब इंटीजर टाइप का डाटा टाइप वह आपका कहलाएगा। दोस्तों दूसरा टाइप है आपका कैरेक्टर। दोस्तों कैरेक्टर डाटा टाइप क्रिएट करेगा एक वेरिएबल को जो होल्ड करेगा आपकी सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को, मतलब कोई सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ एक कैरेक्टर, चाहे वो नंबर हो आपका, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, या फिर चाहे वो आपका अल्फाबेट हो स्मॉलर में या फिर अपर केस में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों अगला है आपका फ्लोट टाइप का। दोस्तों फ्लोट टाइप के डाटा टाइप में जहाँ आपका पॉइंट आ जाए आप समझ लीजिए कि वह आपका फ्लोट टाइप का, चाहे वो फ्लोट हो या डबल। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट का डाटा है वह कितना बड़ा है। अगर वह ज़्यादा बड़ा है तो आप उसके लिए डबल यूज़ कर सकते हैं, वह भी आपके फ्लोट टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और फ्लोट को भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है फ्लोट पॉइंट में, तो आप फ्लोट से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी होल्ड करेगा किसी भी डेसिमल पॉइंट के नंबर को। तो दोस्तों मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि प्राइमरी में आप पढ़ेंगे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और बॉइड को। दोस्तों सेकेंडरी में मैं आपके लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उनका नाम है एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, ईटीसी। तो दोस्तों ये कुछ आपके यूज़र डिफाइंड मतलब कि सेकेंडरी डाटा टाइप्स हैं जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इनसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा टाइप्स को। तो दोस्तों हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, पर मैं इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि किस प्रकार से ये मेमोरी में एलोकेट होते हैं, किस प्रकार से ये डाटा को होल्ड करते हैं, किस प्रकार से हमारा कंपाइलर इसे रीड करता है, किस प्रकार से हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करता है हमारे कोड को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिनमें मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल जिसमें लिखा हुआ मेन, तो दोस्तों मेन क्या क्या यहाँ पर बने हुए हैं, पैरेंथेसिस या फिर आप इन्हें कोष्टक बोल सकते हैं, पर अगर आप सी को यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे पैरेंथेसिस। तो दोस्तों यहाँ पर लगे हुए हैं पैरेंथेसिस मेन के आगे। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है जब भी मेन के बाद पैरेंथेसिस लगे होंगे या फिर किसी भी शब्द के बाद पैरेंथेसिस लगे होंगे तो आपको 90% एक ही वर्ड बोलना है, वह होता है फंक्शन। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है किसी भी शब्द के बाद अगर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं तो वह आपका एक फंक्शन है। तो आपको हमेशा याद रखना मेन आपका एक फंक्शन है। दोस्तों आपको एक बात और हमेशा याद रखनी है कि कोई भी प्रोग्राम मतलब कोई भी सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के बिना एग्जीक्यूट नहीं होता, मेन फंक्शन के बिना नहीं बनता है। तो मेन आपका यहाँ पर एक फंक्शन है। दोस्तों कर्ली ब्रैकेट आपका मेन फंक्शन की स्टेटमेंट लिखने के लिए एक स्टेटमेंट ब्लॉक है, इसके अंदर आपकी सारी मेन की स्टेटमेंट लिखी जाएंगी। तो दोस्तों इंट जो है हमारा यहाँ पर वह है एक हमारा डाटा टाइप जो हमारे लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, वो वेरिएबल हमारा इंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो दोस्तों ए हमारा यहाँ पर वेरिएबल है जिसका टाइप है इंट। दोस्तों फाइव जो है हमारा यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है और वह कॉन्स्टेंट हमारा इंटीजर टाइप का।
उसको कौन से एंड क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक क्या मैंने इसके ऊपर चार वीडियो बनाई थी। हर वीडियो मैंने अलग अलग टाइप के कॉन्स्टेंट को बताया था। दोस्तों अगर आपने वह नहीं देखी है तो आपके लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ से उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइव जो है हमारा इंटीजर टाइप का एक कॉन्स्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं सी में असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों ये असाइनमेंट का मतलब यहाँ पर है कि हमारे ए वेरिएबल में ये असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर रहा है फाइव कॉन्स्टेंट को, मतलब एक इंटीजर कॉन्स्टेंट को ए वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम असाइन कर रहे हैं एक फाइव वैल्यू को। तो दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा असाइन करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे फ्यूचर में। दोस्तों अब चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। तो एग्जांपल में वही हमारा मेन एक फंक्शन है, इंट हमारा वही डाटा टाइप है और ए हमारा वही वेरिएबल या फिर वेरिएबल नेम है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको बता दूँ कि सेमी कॉलन जो है वह आपका है टर्मिनेटर, आप इसको सेमी कॉलन भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये हर स्टेटमेंट के एंड में यूज़ होता है। दोस्तों इसका काम होता है ये बताना कंपाइलर को कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया है, आप चाहें तो आप अगली लाइन में जाकर किसी और कोड को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब होता है सिंपल कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो इसके लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने स्टेटमेंट को क्लोज करना होता है, जब भी हमें अपने स्टेटमेंट को बंद करना होता है। तो दोस्तों सेमी कॉलन हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले एग्जांपल की ओर। दोस्तों बॉयड हमारे यहाँ पर लिखा हुआ मेन के साथ, मतलब मेन तो हमारा एक फंक्शन है पर बॉयड लिखा हुआ है, मतलब दोस्तों मैंने आपको भी बताया था कि बॉयड हमारा कभी भी किसी भी तरीके का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज़ कभी नहीं होगा, हमारा सिर्फ ये एक फंक्शन के साथ ही यूज़ होगा। दोस्तों मेन फंक्शन है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मेन के संग ये यूज़ हो रहा है बॉयड। दोस्तों जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई डाटा टाइप यूज़ होगा तो वह उसका रिटर्न टाइप कहलाएगा। तो दोस्तों बॉयड जो है यहाँ पर एक है रिटर्न टाइप। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इंट क्या है। इंट दोस्तों यहाँ पर एक डाटा टाइप है, ए आपका यहाँ पर एक वेरिएबल नेम है, इक्वल आपका यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, फाइव यहाँ पर आपकी एक वैल्यू है मतलब कॉन्स्टेंट है इंटीजर टाइप का। दोस्तों बॉयड आपको, दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बॉयड क्या है, बॉयड है यहाँ पर मेन के साथ लिखा हुआ है क्योंकि ये एक फंक्शन है इसके साथ लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका एक है रिटर्न टाइप। तो void आपका एक रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न करेगा आपकी कंपाइलर के लिए जीरो। दोस्तों रिटर्न टाइप क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा, बस आप अभी यही समझ लीजिए कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई डाटा टाइप लिखा हुआ है तो वह आपका एक रिटर्न टाइप है ना कि डाटा टाइप। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछेगा कि void क्या होता है सी में तो आप बोलेंगे एक डाटा टाइप, पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर हमने void main लिखा हुआ तो यहाँ पर void क्या है तो आप यहाँ बोलेंगे कि मेन फंक्शन का void हमारा एक रिटर्न टाइप है ना कि हमारा यहाँ पर कोई डाटा टाइप है। तो दोस्तों रिटर्न टाइप क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा ही आगे। तो अब चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ इंट मेन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया मेन एक फंक्शन है, इंट लिखा हुआ है मेन से पहले लिखा हुआ है, मतलब ये एक डाटा टाइप है, पर इंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो अभी ये हमारा एक रिटर्न टाइप है क्योंकि हमारे ये फंक्शन के साथ लिखा हुआ है। तो दोस्तों इंट हमारे यहाँ पर एक रिटर्न टाइप है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो बॉयड मेन लिखा था, यहाँ इंट लिख दिया और उससे पहले सिर्फ मेन लिखा था। तो दोस्तों इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉयड मेन और इंट मेन में क्या अंतर होता है, या फिर आप सिर्फ लिख देंगे मेन बिना किसी रिटर्न टाइप के तो उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इंट यहाँ पर आपका एक रिटर्न टाइप है और फ्लोट आपका यहाँ पर वही डाटा टाइप है, बी आपका फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है, असाइनमेंट आपका ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है जो असाइन कर रहा है 3.2 टाइप की वैल्यू को आपके वेरिएबल बी में। दोस्तों 3.2 क्योंकि डेसिमल पॉइंट का यूज़ हो रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का कॉन्स्टेंट है या फिर रियल कॉन्स्टेंट है। तो दोस्तों बी आपकी होल्ड करेगा 3.2 टाइप के एक डाटा को। दोस्तों अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं मेन आपका एक फंक्शन है, करेक्टर आपका एक डाटा टाइप है, डी आपका एक करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है, सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर लिखा हुआ है जो है आपका ए। दोस्तों ए आपका यहाँ लिखा हुआ तो ये एक आपका एक करेक्टर कॉन्स्टेंट है क्योंकि आपने इसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो अगले एग्जांपल इंट आपका एक रिटर्न टाइप है, मेन आपका एक फंक्शन है, डबल आपका एक डाटा टाइप है, सी आपका डबल टाइप का एक वेरिएबल है जो होल्ड कर रहा है आपकी 4.555 की एक वैल्यू को, सेमी कॉलन आपका यहाँ पर एक टर्मिनेटर है जो टर्मिनेट कर रहा है आपकी स्टेटमेंट को। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ही बताया था कि फ्लोट और डबल आपके सिमिलर होते हैं, दोनों ही डेसिमल पॉइंट के लिए यूज़ होते हैं, बस सिंपल सा यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है वही है कि फ्लोट और डबल की रेंज थोड़ी अलग होती है। दोस्तों डबल की जो रेंज होती है वह फ्लोट टाइप के वेरिएबल की रेंज से अधिक होती है, मतलब वह उससे ज़्यादा बड़े डाटा को होल्ड कर सकता है।
दोस्तों डाटा टाइप को लिखने का सिंटैक्स आपके अभी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बताता हूँ आपको सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका होता है। दोस्तों आप डाटा टाइप को किस तरीके से लिख सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, उसे बोलते हैं आप सिंटैक्स। दोस्तों सिंटैक्स है आपका लिखने का तरीका, सबसे पहले आपको लिखना होगा डाटा टाइप। दोस्तों आपको स्पेस सिर्फ डाटा टाइप के बाद ही देना है, डाटा और टाइप के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर बीच में। डाटा टाइप के बाद आपको स्पेस देना है, स्पेस के बाद आपको एक किसी भी वेरिएबल का नाम देना है जो आप बनाना चाहते हैं। वेरिएबल का नाम आप बना सकते हैं कुछ भी, आप यहाँ वेरिएबल का नेम दे दीजिए और उसके बाद सेमी कोलन लगाना ना भूलें। सेमी कोलन से ही आपका स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपका ये प्रोग्राम रन होगा। दोस्तों आप चाहें तो इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से भी अपने डाटा टाइप को लिख सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा सबसे पहले डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद आपको देना होगा स्पेस, उसके बाद देना होगा आपको वेरिएबल नेम, बीच में लगाना होगा आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आप दे सकते हैं उसकी वैल्यू जो होल्ड करेगा वेरिएबल द्वारा। उसके बाद आपको दोस्तों लगाना है सेमी कोलन जो टर्मिनेट करेगा इस स्टेटमेंट को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में और जानेंगे पूरी डिटेल से। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि डाटा टाइप पार्ट नंबर 2 की वीडियोस कब आएंगी तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को और उस बेल आइकन को दबाना होगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद जब भी मैं अपने इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके मेरी वीडियोज़ को तुरंत देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं इस वीडियो के बारे में, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों अगर इस वीडियो में कहीं कमी रह रही है या फिर मैंने कुछ बताया नहीं है, मैं कुछ भूल गया हूँ या मैंने कुछ गलत बता दिया है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर मेरे से कोई कमी होगी तो मैं उसको सही करूंगा, अपनी अगली वीडियो में उसे इम्प्रूव करूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए बस इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आपको वीडियोज़ हमेशा समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।